अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। NHM कर्मचारियों की हड़ताल आज 16वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, साथ ही अब वे भूख हड़ताल पर भी हैं। बता दें कि NHM के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अब वे 72 घंटे की भूख हड़ताल पर भी हैं। भूख हड़ताल पर बैठे आज उनका दूसरा दिन है। वहीं NHM कर्मचारियों का कहना है कि अभी तो 10 ही कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जितने भी कर्मचारी हैं वे सभी भूख हड़ताल पर रहेंगे। जी बताएं, आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कौन सा दिन आज भूख हड़ताल? तो अभी तक जी तो बताएंगे, अभी तक प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है या प्रशासन ने कुछ कहा है अभी तक आपको भी, जो आपकी हड़ताल जो चल रही है? क्या नाम आपका बताएं आप, जो आज की जो हड़ताल है, जो आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपने NHM के कर्मचारी उसके बारे में? अभी तो ये हमारे झज्जर जिले के 10 कर्मचारी बैठे हैं, ये तो सरकार हमारी बात मान लेगी, नहीं तो 13,000 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम इनकी बार पीछे नहीं हटाएंगे जी, हमने 20 साल हो गए, हमने हर सरकार हर बार हमें धोखा दे रही है कि ये नेशनल का प्रोग्राम है, नेशनल का प्रोजेक्ट है। जब जनता पब्लिक एक आम MLA MP को चुन के जब हम देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चुन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट क्या है, नहीं चल रहा? वे क्यों प्रोजेक्ट के नाम पे पब्लिक को धोखा दे रहे हैं? सारे ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने कर्मचारियों को धोखा दे के पब्लिक को बरगला जा रहा है कि किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं, किसी को 15,000 दे रहे हैं। इतनी महंगी शिक्षा में भी क्या इतनी तनख्वाह में इतने पैसे माँ बाप फूक के अपने बच्चों को कोर्स करवा रहे, पढ़ा रहे हैं? क्या इतनी तनख्वाह में उनका तो खर्चा भी नहीं चलता, कैसे उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये जो हरियाणा सरकार बैठी है, जो सेंटर की सरकार बैठी है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, पिछली बार भी जब 2004 में जब भाजपा का राज था, 98 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, हम तब भी लगे हुए थे, हमने तब भी अपनी तनख्वाह कटवाई थी। और आज 98 से देख लो 2019 का साल चला हुआ, हमने कौन सा गुनाह किया? क्या हम काम नहीं करते? हम अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड लेवल से चल के हम काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। एक कुर्सी पे 2 कर्मचारी बैठा रखे हैं, एक को 70,000 सैलरी देती है, एक को 10,000 में बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि काम हम उसे 10 गुना ज्यादा करते हैं। अभी तक आपकी प्रशासन से कोई बातचीत हुई थी? बोला जा रहा था कि पिछले वीक के अंदर आपकी बातचीत होने जा रही थी, उसका क्या उद्देश्य था? अभी तक हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। क्या नाम आपका? बुल्ली देवी एनम। भाई साहब, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर राजेंद्र, CSC जमालपुर का कार्यरत हूँ। मुझे करीबन 4.5 साल हो गए हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8,349 रुपये खाते में आते हैं, और अधिकारी बार बार मैं डराते रहते हैं कि आपको निकाल दिया जाए, आप अच्छे कर्मचारी हो, हम मेहनत से बड़ी लगन से ड्यूटी करते हैं, और हमें हर साल में ये रहता है कि कभी अधिकारी काट दें। 8,439 रुपये में होता है क्या? आज 4 साल 7 महीने हो चुके मेरे को ड्यूटी करते हुए, और हमेशा यही ट्राया रहता है कि सरकार हमारी तरफ भी देखे, हम भी मजबूरी में दरी पर बैठे हैं, पब्लिक परेशान है, हम भी मानते हैं पब्लिक परेशान है, और उनसे हम थोड़ी फील करते हैं कि जब सरकार हमारी मांगे पूरा कर दीजिए, अपने कार्य पर चलने हुए, और हमारे जो दुखी है उनको हम सुविधा बिल्कुल सही तरीके से देंगे, और हमारी सरकार से यही कि हमारी जल्दी जल्दी हमारे दुआ डाल किया जाए, और हम अपने कार्य हड़ताल पर बैठे हुए आपको कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, CSC जमालपुर। झज्जर से गोविंद के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।